वेलकम बैक टू न्यू एपिसोड गाइज. सो यू आर वॉचिंग रिवर एंड पीक व्लॉग्स एंड आई एम सलमान अली खान. सो आज का जो हमारा व्लॉग है, तो बेसिकली हम जो अपना सारा व्लॉग सर्वाइवल बेसिस पे बनाते हैं, एडवेंचर बेसिस पे, तो आज का भी सेम सिचुएशन है. लेकिन आज हम कुछ नया ये करने वाले हैं, क्यों ये कि आज हम नाइट के लिए जा रहे हैं और हमारे पास ना ही कोई टेंट है, ना ही कोई शेल्टर है, ना ही स्लीपिंग बैग्स, लाइक कुछ नहीं है. तो ऐसा सिचुएशन हम क्रिएट कर रहे हैं कि जैसे हम मतलब कहीं पर जा रहे हैं ट्रैकिंग के लिए और हम फंस गए रात के लिए, तो अब रात कैसे बितानी है वहाँ पे, वो चीज़ हम आपको दिखाएंगे. और कल का दिन जो होगा, तो कल के दिन में हम क्या मतलब जो भी हमारा खाना पीना होगा वो तब लिमिटेड लिया है, जो सिर्फ एक रात के लिए होगा. तो कल का दिन हम विदाउट फूड जो हमें अंदर मिलेगा सिर्फ उसी पे ही करेंगे. तो अभी के लिए हम अपना व्लॉग स्टार्ट करते हैं, तो बने रहिए हमारे साथ, तो देखते रहिए ये व्लॉग. तो गाइज अभी हम चल रहे हैं एंड शायद जस्ट आधा या पौने घंटे में पूरा अंधेरा हो जाएगा. तो अभी हम सिर्फ ढूंढ रहे हैं कि मतलब शेल्टर का क्या करें. तो देख रहे हैं अभी कोई अच्छी सी जगह मिल जाए तो वहाँ शेल्टर का इंतज़ाम करेंगे हम. एंड सबसे जो बड़ी चीज़ है वो है हमें जल्द से जल्द कुछ ना कुछ ढूंढना पड़ेगा जहाँ कि हमें रात गुजारना पड़ेगा. एंड हमें अभी करीब 1.5 घंटे हो गए हैं चलते हुए, शायद 5 से 6 किलोमीटर हम चले हुए हैं. तो चल रहे हैं अभी विदाउट ब्रेक चल रहे हैं ताकि कहीं पहुंच जाएं जहां हम रात गुजार पाए. तो मिलते हैं अब आगे, देखते हैं कहीं शेल्टर का कुछ जुगाड़ हो जाए तो कर लेंगे कुछ जुगाड़. चलिए गाइस मिलते हैं फिर आपसे आगे, बने रहिए हमारे साथ. अभी हम रुके हैं वाटर फिलिंग के लिए. तो आप देख रहे हैं मेरे नीचे ये मुंतजिर भाई बॉटल्स फिल कर रहे हैं वाटर पानी के लिए. तो यहाँ से आगे हम चढ़ेंगे ऊपर की तरफ, तो होप कि वहाँ शेल्टर मिल जाए, क्योंकि अब शायद और हार्डली आधा घंटा रहेगा, मतलब लाइट जहाँ विजिबिलिटी रहेगी आधे घंटे तक रहेगी. तो उसके बाद तो पूरा रात में चलना पड़ेगा. तो होप सो कि जल्दी मिल जाए कुछ शेल्टर, तो वहाँ जाके अब हम आग शाग जलाएंगे. एंड कुछ सामान हमने लाया खाने पीने का, तो बहुत लिमिटेड है, तो जो कि रात निकल जाए. बेसिकली हमारा था प्रोग्राम की पूरा खाली ही आना, लेकिन देर हो गया था हमें, 4 बजे हम शायद घर से ही निकले, तो उस वजह से हमने थोड़ा सा ना सामान घर से ही उठाया था. तो अब यहाँ से आगे हम जाएंगे, तो अभी आगे मिलते हैं, अभी चलते हैं. चलिए मिलते हैं अब आगे आपसे, बने रहिए. जी ये जो जगह है ये पूरा भालू और शेर जो है यहाँ पर लेपर्ड उससे भरा हुआ है. सो अभी हम डिफेंस के लिए एक मामूली सा स्पीयर बना रहे हैं. तो अभी ये एक डंडा काट लिया हमने, ये कोई 5-5.5 फुट का. तो आगे हम इसको जो नाइफ है कम्बैट नाइफ वो जोड़ेंगे. एंड रस्सी के लिए हम यूज़ करेंगे जो सर्वाइवल बैंड है मेरा, यही यूज़ करेंगे हम. तो ये देखिए इसका जस्ट पकड़िए, टिप काटना है ये पकड़, एंड ये बाहर, उसके बाद चंद्र हुआ आधा, जून हुआ पूरा गोल, मून हुआ गोल. अच्छा इसको कहते हैं चंद्र, चांद चांद वाला जून निकल मान. चंद्र क्यों ना और दोपहर क्रिसेंट क्रिसेंट इंग्लिश में मुझे भी नहीं पता ये सारे क्रिसेंट न्यूटन. मैंने सुना क्या है इधर यार बड़ा बड़ा इसमें क्रिसेंट मून सन प्लैनेट्स के बारे में सब. तुमने ऐसे सिंगर्स कहते हैं क्या अलास्का के जंगल में यहाँ पे कम अज कम 1 साल में 50,000 लोगों की मौत हो जाती है. वहां में और कहीं नहीं दुआ
तुम इसको वो वाला नॉट बनाए ना तो मैं सबसे धापा पूछ गए सके चलिए नहीं जगह आ जाइए तो बड़ी बेहतर तो देखिए गाइस ठीक है ना ठीक है ठीक है ठीक है सो फाइनली जो हमारा स्पीयर है जो कि काम चला हुआ है लेकिन बन गया है आप देख सकते हैं आगे इसको मैंने नाइफ लगाया हुआ है सो इससे एक चीज़ हो सकता है अगर कुछ कम्बैट हो भी गया तो दूर बैठ के हम ये यूज़ भी कर सकते हैं तो उतना टिकाऊ भी नहीं है लेकिन काम चल जाएगा इससे तो अभी के लिए ठीक है तो चलते हैं अब इधर से अब आगे क्योंकि शेल्टर यहाँ से थोड़ी दूर पर है तो चलिए चलते हैं। हाय गाइस दिस इज़ आवर विक्ट्री चॉकलेट वी फाइनली फाउंड हमारा रात का ठिकाना हम लोग यही पे स्टे करने वाले हैं आग वाग जलाएंगे खाना वाना मस्त पकाएंगे और खाएंगे तो देखते रहिए हम कैसे एंजॉय करते हैं। सो गाइस ये रहा आज का हमारा सेटअप क्योंकि इतना टाइम रहा नहीं था हमारे पास जरा गई थोड़ा सा साइड तो ये जो पेड़ है इसी के नीचे हमने शेल्टर ले लिया है आप देख सकते हैं पूरा बंद है ऊपर पूरा डेंस है तो अगर बारिश भी पड़ी तो नीचे बहुत मुश्किल से आ जाएगी एंड सबसे अच्छी चीज़ है कि नीचे बहुत मतलब प्लेन है तो हम एक काम करेंगे गर्मी के लिए हम दो तरफ आग जलाएंगे आप देख सकते हैं यहाँ पे तो दोनों तरफ से आग जब होगी तो उससे हमें जो इंसुलेशन है वो कंप्लीट मिल जाएगा तो मुंतजिर साहब हाँ जी सर क्या बोलना चाहेंगे आप इसमें बस दुआ चल ठीक है गाइज तो गाइज अभी का हमारा जो प्रोग्राम है वो हम कुछ खाने पीने के लिए बना रहे हैं तो ये रहा चावल लाया था हमने और ये प्याज एंड प्याज के साथ हमने कुछ मशरूम्स इकट्ठा किए थे तो वो करेंगे और हमने कुछ फ्रोजन कबाब्स लाए थे साथ में वो यूज़ करेंगे तो आज का जो नाइट है ये हमारा जो बॉनफायर है यहाँ पे जल रहा है एंड साथ में हमने ये घास लाया हुआ है ताकि जो हम नीचे बिछा सकें इंसुलेशन के लिए तो अभी डी क्या पका रही हो अभी बनेगा अभी तो प्याज भून रहे हैं उसके बाद बनेगा कबाब अच्छा फिर हम लोग टेस्टी कबाब और राइस खाएंगे चलो बढ़िया है तो ये है हमारा सेटअप आज का कैंप एंड देखिए गाइस अब देख सकते हैं अभी कि ऊपर कितना घना है पूरा बिल्कुल तो शब्द में जो इसका ऊपर का ओस है वो भी नहीं गिरेगा ड्यू फैक्टर तो बिल्कुल लो रहेगा एंड ऑल्सो सर्दी भी बहुत हो रखी है अभी यहाँ पे अब माइनस पाँच है नहीं माइनस नहीं है अभी मत शायद एक या दो तीन होगा शायद उनको मत पता है देखने वालों को। सो फाइनली गाइज हमारा जो डिनर है जो हमारा सफ़र है वो रेडी हो चुका है एंड अभी परोस रहे हैं हम खाना ये सब्जी ये खाना ये आग और मनजानी लाइफ निकाल सर मुना मुझे ज्यादा नहीं निकालना ठीक है कम ही निकालना हाँ की है ना थैंक यू भाई तो हमारा डिनर इज ऑलमोस्ट फिनिश डी कैसा लगा ओ, पूरे दिन की थकाहट उसके बाद ये सारे सेटअप करना उसके बाद ये खाना ओह ब्लेस थैंक यू बिस्मिल्लाह ये दोनों भी लगे हुए हैं डेलिशियस ये आज रात का हमारा बिस्तर तो इस पे हमें सोना है नीचे घास बिछाया हुआ है ताकि इंसुलेशन जो हमारे बॉडी का हो वो कंप्लीट मतलब ठीक से रहे एंड और एक चीज़ एक तो हम इस तरफ से आग जलाने वाले हैं तो दूसरा जो होगा वो हम इस तरफ से आग जलाएंगे ताकि दोनों के बीच में हमारा गर्मी ठीक से रहे और एक और चीज़ हम जो हमारा कैंप है यहाँ पर जहाँ हमने कैंप किया है तो इसके 15 मीटर के दायरे में इर्द गिर्द दायरे में वी आर गोइंग टू पी तो द रीज़न इज़ दैट कि जो जानवरों का इलाका होता है जो अपना वो टेरिटरी करते हैं मार्किंग करते हैं तो अपने पेशाब से ही वो टेरिटरी मार्किंग करते हैं सो वही सेम हम भी इस टाइम करने वाले हैं क्योंकि जो यहाँ पर ये जो एरिया है बालू और लेपर्ड से भरा हुआ है तो उस चीज़ के लिए हम भी वही करने वाले हैं
तो अभी कुछ देर में हम सोने वाले हैं, फिलहाल अभी बैठे हुए हैं आग के सामने। तो चलिए मिलते हैं फिर आपको थोड़ा आपसे थोड़ी देर में और। बाय बाय। दिस इज़ द सेटअप आज रात के लिए। हमारा जो सेटअप है वो ये रहेगा। यहाँ पे हम सो रहे हैं एंड इस तरफ भी आग जल रही है। तो मिलते हैं अब आपसे कल सुबह। गुड नाइट, टेक केयर, शबा खैर एंड शबा खैर। सो अभी रात के 2 बजे हैं एंड हम सोए हुए थे, बट अचानक से कुछ आवाज़ आने लगी हमें एंड फायरवुड भी हमारा ख़त्म होने को आया था, तो उस वजह से उठना पड़ा और हमने थोड़ा सा फायरवुड और लाया, तो क्योंकि रात भर आग जलनी चाहिए। जो हमारे साथ अभी बंदे हैं आप देख सकते हैं, उनकी तरफ कर लाइट, बिल्कुल सो रहे हैं। कैसे पड़े हुए हैं ये देखिए। फिलहाल हम पहरा दे रहे हैं, उसके बाद ये पहरा देंगे। फिलहाल अभी हम जगे हुए हैं तो अभी इनको आराम करने देते हैं। अभी हम बैठे हुए हैं ऐसे ही बातचीत कर रहे हैं आपस में, तो देखते हैं अभी रात कैसे कटेगी। आई होप कि अच्छी कटे। तो सुबह आई थिंक मॉर्निंग में जैसे ही लाइट आ जाएगी हम यहाँ से निकल जाएंगे एंड जो हमारा डे का प्लान है तो वो एग्जीक्यूट करेंगे। तो गाइस चलिए मिलते हैं आपसे अब कल सुबह। गुड नाइट, गुड मॉर्निंग गाइस। अभी अभी जाके हम उठे हैं एंड सुबह के अभी बजे हैं 7 एंड अभी ये सब सोए हुए हैं। रात को अच्छी नींद तो नहीं आई बट इट वाज क्वाइट गुड एंड अभी हम यहाँ से नीचे जा रहे हैं वापस पानी की तरफ, जहाँ पे पानी है तो वहाँ पे हम ब्रेकफास्ट करेंगे एंड आज का दिन हमारा बेसिकली स्टार्ट हो गया है। एंड चलिए अब मिलते हैं आपसे आगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। बाय बाय। तो गाइस अभी हमारा यहाँ का जो सेटअप है ये, अभी हम यहाँ पे ब्रेकफास्ट कर बना रहे हैं। तो अभी हम यहाँ पे पहुँचे हैं, धूप भी निकल गई है, बहुत अच्छी धूप निकली हुई है एंड यहाँ पे अभी हम ब्रेकफास्ट बना रहे हैं अपना। ये अभी हम चाय पी रहे हैं, चाय जस्ट अभी अभी बनाया है एंड मैगी भी बनाया था हमने, वो खा लिया। तो अभी इसके बाद हम ट्राई करेंगे शायद मछलियाँ फिशिंग करने का, लेकिन पता नहीं लगेगी नहीं लगेगी। तो अगर लगी तो ठीक, नहीं लगी तो फिर कुछ मशरूम्स हैं तो वो ही पका के वही खा लेंगे हम। तो अभी चाय पी रहे हैं, ब्रेकफास्ट कर रहे हैं सुबह का। सो हमने फ़िशिंग के लिए ट्राई किया था लेकिन पानी बहुत ही ठंडा है, तो उसमें मतलब 15-20 सेकेंड से ज़्यादा रह नहीं पा रहे हैं। तो एक भी मछली नहीं पकड़ी आज हमने एंड अभी हम डिनर लंच का प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो कुछ ऑनियन काटे हैं एंड साथ में मशरूम्स हैं एंड कल रात में कुछ कबाब बचे थे तो वो भी यूज़ करेंगे। तो मैंने सोचा था कि हम पूरा प्रीमियम ये करेंगे सर्वाइवल, लेकिन हो नहीं पाया वो, तो नेक्स्ट टाइम करेंगे आप वो। तो आज के लिए शायद यही था हमारा व्लॉग का भी है। तो अब देखते हैं अब आगे क्या होता है। अभी फ़िलहाल हम ये लंच
तैयार कर रहे हैं। और यहाँ पे मयूर ने अभी काट के रखे हैं ऑनियंस, बाकी अभी पका रहे हैं हम। ये है हमारे सलमान, उन्होंने लिखा बालों की तरह से हो रहा है। खाना पकाया जा रहा है, सलमान अली खान खाना तो बना रहे हैं। हमारा लंच तैयार हुआ, अब हम मैच करने जा रहे हैं। हमारे मुंतजर साहब खाना लगा रहे हैं। चोपड़ा सा तो फाइनली हमारा जो लंच है हो गया है एंड वी आर अबाउट टू लीव। अब हम घर की तरफ जा रहे हैं। तो आज इस ये जो एक्सपेडिशन था हमारा बहुत ही अच्छा अच्छे से हुआ एंड बहुत ही हमें मज़ा आया। एंड इवन जो मेरे साथ जो मेरा ग्रुप था इन्होंने भी बहुत एंजॉय किया। तो अभी के लिए यहाँ पर ये हम एंड करते हैं, जो हमारा आज का ये व्लॉग था ये यहाँ पर हम एंड करते हैं। तो मिलते हैं आपसे एक दूसरे व्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। थैंक यू।